ढोंग तब तक टिक सकता है जब तक वो ये दिखावा करते रहे कि वो ढोंग नहीं है। ये ढोंग इस दिखावे से जीता है कि वह कुछ और है, जबकि वह वास्तव में कुछ और है। जैसे ही तुम ये पहचान लेते हो कि तुमने एक मुखौटा पहन रखा है, वो मुखौटा गिरने लगता है। तुम समझ जाते हो कि ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। मुखौटा तब तक तुम्हारे चेहरे पर रह सकता है जब तक तुम ये मानते रहो, दिखावा करते रहो, दूसरों और खुद को धोखा देते रहो कि यही तुम्हारा असली चेहरा है। और समस्या ये है कि अगर तुम दूसरों को धोखा देते हो तो आखिरकार तुम खुद को भी धोखा देने लगते हो। जो व्यक्ति दूसरों के साथ चालाकी करता रहता है वह जल्दी अपने साथ भी चालाकी करने लगता है। वह सच्चाई, प्रामाणिकता, सत्य की भाषा भूल जाता है। उसने इतना लंबा समय झूठ बोलने में बिताया है कि अब वह केवल झूठ ही जानता है। और अगर दूसरों ने उसके झूठ पर विश्वास करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह झूठ बोलने में बहुत चतुर हो गया है, तो ये देखकर कि दूसरे उसके झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, वह खुद भी उन झूठों पर विश्वास करने लगता है। तुम्हें और सजग होना होगा। और सजगता का चमत्कार यही है कि जो कुछ भी गलत है, जब तुम पूरी तरह से उसके प्रति सजग हो जाते हो, वह स्वयं ही गिर जाता है। और जो कुछ भी सही है, जब तुम उसके प्रति पूरी तरह से सजग हो जाते हो, वह तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। सजगता सबसे महान रासायनिक घटना है। अपनी ईमानदारी को अपनाना अच्छी शुरुआत है कि ये पहचान हुई है बीज मिट्टी में गिर चुका है। बस सजगता को बढ़ाते जाओ। अपना हर कार्य, हर विचार, हर सपने को देखो और कुछ मत करो, कुछ करने की जल्दी मत करो। बस देखते रहो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, तुम कैसे जी रहे हो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि बदलाव अपने आप हो रहा है। और जब कोई बदलाव अपने आप होता है तो उसकी अपनी एक सुंदरता होती है।